आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद पड़ोसी मुल्क की राजधानी इस्लामाबाद के कई हिस्सों में भारत समर्थक बैनर दिखाई दिए हैं। इन बैनर्स पर शिवसेना नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय राउत का अखंड भारत वाला बयान छपा हुआ है। इन बैनर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस्लामाबाद के एक शख्स ने भी इन बैनर्स को देख वीडियो बनाया और बताया कि ऐसे पोस्टर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के पास मौजूद हर सड़क के खंभों पर लगे हुए हैं। उस शख्स ने आगे ये भी बताया कि इंडिया इस्लामाबाद में आकर ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं क्या? क्या हम भी दिल्ली या मुंबई जाकर ऐसे पोस्टर लगा सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी ऐसा कभी नहीं करती है। अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम उनको करने तो ना दो। आपको बता दें कि पहले इस वीडियो को नकली यानी कि फेक माना जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, पोस्टर्स इन पाकिस्तान। वहीं एक संवाददाता ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि पड़ोसी मुल्क की राजधानी इस्लामाबाद में लगे अखंड भारत के पोस्टर वहाँ के लोग पूछ रहे हैं, हमारे घर में आखिर कौन लगा गया ऐसे पोस्टर और हम क्या सोते रहे। बता दें कि वायरल हो रहे एक और वीडियो में पड़ोसी मुल्क पुलिस के इन बैनर्स को हटाते हुए भी नज़र आ रही है। 6 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया, जिससे कि संबंधित संकल्प को संसद में भी पारित कर दिया। बैनरों पर शिवसेना नेता संजय राउत के संदेश लिखे हुए थे, जिन्हें हटाने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। बैनर के शीर्ष पर लिखा था, महाभारत एक कदम आगे। बैनरों पर लिखा था, आज जम्मू कश्मीर लिया गया है, कल बलूचिस्तान पीओके लेंगे। मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री अखंड हिंदुस्तान का सपना जरूर पूरा करेंगे। द डेली न्यूज रूम से लकी कोटनाला की रिपोर्ट।